दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। कॉमेडी एक ऐसा सोर्स है जो कि हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है। रोजमर्रा के होने वाले तनाव को दूर करने के लिए हंसी एक महत्वपूर्ण घटक है और वो कॉमेडी से ही पाई जाती है। कॉमेडी से हमारा तनाव छूमंतर हो जाता है और हमारा शरीर सुबह खिलने वाले गुलाब के पंखुड़े की तरह खिल उठते हैं। हमें हंसने के लिए कई कलाकार आगे आए, जैसे मराठी में दादा कोंडके, लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक सराफ, बॉलीवुड में कपिल शर्मा, जॉनी लीवर, परेश रावल, राजपाल यादव। आज आप ऐसे एक कॉमेडियन की बायोग्राफी देखोगे जिसका नाम है जैमी लीवर, जो कि हमारे प्यारे कॉमेडियन जॉनी लीवर की बेटी है। जैमी एक बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन, वर्सेटाइल एक्टर और सिंगर भी है। उसका जन्म 19 अक्टूबर 1918 को महाराष्ट्र में हुआ। उसका असली नाम जैमी जन्नूमल्ला, पिता का नाम जॉनी जन्नूमल्ला, माँ का नाम सुजाता जन्नूमल्ला और भाई का जैसी जन्नूमल्ला। जैमी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से जमनाबाई नर्सी स्कूल एंड जय हिंद कॉलेज से की। उसके बाद उसने लंदन में वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग कम्युनिकेशन में मास्टर की मानक डिग्री प्राप्त की। उसके बाद जैमी को लगा कि वो अभी अपने पापा की तरह स्टैंड अप कॉमेडी कर सकती है। फिर ये बात उसने अपनी माँ से की, माँ ने पापा से की और दोनों ने उसको एक सलाह दी कि वो अपने ध्यान अपने पढ़ाई पे दें। लेकिन जैमी एक न मानी। फिर जॉनी भाई ने उसे अपने लंदन में होने वाले एक शो में 10 मिनट का एक्ट करने की परमिशन दे दी। फिर उस एक्ट में जैमी को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। ये देखकर जॉनी भाई बहुत खुश हो गए और उसे जो करना है वो करने की परमिशन दे दी। उसके बाद 2013 में उसने कॉमेडी सर्कस के महाबली में एज अ कॉन्टेस्टेंट परफॉर्म किया। उसके कॉमिक टाइमिंग, मिमिक्री, टैलेंट और चेहरे के अनोखे एक्सप्रेशन की वजह से वो तब चर्चा में थी। ऐसे तो जॉनी सभी एक्टर की मिमिक्री अच्छी तरह से कर लेती है, स्पेशली लता दीदी, अनु मल्लिक और फराह खान। वैसे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती के साथ साथ वो मराठी भी अच्छी तरह से बोल लेती है। इस टैलेंट की वजह से उसे 2015 में कॉमेडी कपिल शर्मा की पहली फिल्म किस किस को प्यार करो में एक कामवाली भाई चंपा का रोल मिला था। अभी 2017 में वो एक रियलिटी शो होस्ट कर रही है जिसका नाम है सबसे बड़ा कलाकार। उसने एक इंटरव्यू में इसे भी कहा है कि वो छोटे कलाकारों का शो इसलिए होस्ट कर रही है क्योंकि वो खुद को छोटा मोटा कलाकार ही समझती है। इसी तरह से काम करती रहना जैमी, एक ना एक दिन तुझे वो कामयाबी की सीढ़ी जरूर मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो यार। अगर कुछ बात हो तो कमेंट में लिखो और मैं यूट्यूब पे नया हूँ।